उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। अपने बेटे से कहने लगे, बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिल के मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ न रहे, और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करें तो फिर अली से बात करना। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए, मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स, इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उम्र फारूक का विसाल हुआ तो बेटे से कहने लगे, अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल करता है। एक कब्र की जगह है, अम्मा जी ने अपने लिए रखी है, बुखारी या बुखारी। हजरत आयशा के पास साहबजादे गए, कहने लगे, अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है, हालत बड़ी परेशानी वाली है। वो कहते हैं, अगर अम्मा इजाजत दे। सैयद आयशा रो पड़ी, फरमाने लगी को अपनी कब्र की जगह तो नहीं ना किसी को देता। पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया, उसे कहो जाओ गुम्बद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पड़ के जाएगा। जाओ मैंने जगह दी।